स्टोव ऐसे ऊपर रखना, हाय हाय गरम गरम गरम। एक्सप्लेन करना भी नहीं मुझे आता, अगले दिन की टेंशन नहीं लेनी कभी भी आपने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग। तो कभी ना सामने लाइक पाकिस्तान में जैसे अपने अपने घर होते हैं, उसने सफाई की होगी, बर्तन धोए होंगे या फिर खाना पकाया होगा, कुछ भी लाइक आप कह लो, कुछ ना कुछ किया ही होगा अपने घर में। तो लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो नॉर्मली यूजुअली अपने घरों में ऐसी चीज़ें करती रहती हैं, खाना पकाना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, जो कुछ भी होता है लाइक ये हम ऐसा मानते हैं कि लड़कियों का काम है, तो वो करती ही रहती हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लड़कों की। तो कभी पाकिस्तान में अगर या इंडिया जहाँ भी आप रहती हो, तो अपने घर में हमने कभी भी अगर ये काम किया है ना, तो कह लो शौक से किया या वैसे किया होगा, कोई इसके पीछे ऐसी स्पेसिफिक वजह नहीं कि तुमने करना ही करना या वो काम ख़त्म करेगा ही ये बंदा, ठीक है। तो हम सब ऐसे ही होते हैं लाइक वहाँ पे अपना अगर खाना खाया तो वैसे छोड़ देते हैं, बेड अपना वैसे छोड़ देते हैं, बर्तन अपने वैसे ही छोड़ देते हैं, सफाई हम नहीं करते, कपड़े हम नहीं धोते, जो कुछ भी है सारा कुछ हम नहीं करते, सबको पता है इस चीज़ का, क्योंकि हमारी जो माँ होती हैं, बहन होती है, सब कुछ ये काम कर देते हैं वहाँ पे। बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जैसे यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आता है, कोई भी कैसा भी हो, वो चाहे जैसा भी था पाकिस्तान में, इंडिया में, जैसा भी था अपनी कंट्री में, लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो वो सब कुछ खुद करने लग जाता है, वो खाना भी खुद पकाने लग जाता है, वो अपनी सफाई भी खुद करता है, अपने कपड़े भी खुद धोता है, वो तो अपने बर्तन भी खुद धोता है। वो ऐसे क्या चक्कर है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में वही स्टूडेंट, वही बंदा जो मतलब कि बिल्कुल कुछ नहीं करता और यहाँ पे आके सब कुछ करने लग जाता है, तो वो है इन्वायरमेंट। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है ना जो इंसान को क्या से क्या बना देती है, और कुछ ही लाइक कुछ ही दिनों में बना देती है, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट आता है, कोई भी ऐसा इंसान आता है, तो उसको थोड़े दिन ऐसी मुश्किल होती है, उससे मैनेज नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ही वीक्स, कुछ ही मंथ बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अपनी लाइफ परफेक्ट जीने लग जाता है। तो ये सारी बात इन्वायरमेंट की है, क्योंकि इसके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा होता है, जो उससे पहले स्टूडेंट आए होते हैं या उसके इर्द गिर्द जो भी होता है वो सब कुछ ही कर रहे होते हैं, तो जब वो इनके बीच में आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उनके बीच में इंक्लूड होने के लिए, लेकिन वो सीख जाता है ये सब कुछ जो उसके पहले वाले कार्य होते हैं, जैसे खाना खुद पका रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही एक चीज़ नहीं कि आपने सिर्फ खाना पकाना खुद और आपने अपने बर्तन जो कुछ भी अपने बारे में है पर्सनल लाइफ में वो आपने सब कुछ करना और डेट्स इट, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, आपको साथ साथ जॉब भी करनी पड़ेगी, फिर आपको फीस भी पे करनी है, फिर आपको रूम का रेंट भी पे करना है, ग्रोसरी का पे करना, अपने ऊपर लगाने हैं, अपने अपने खर्चे निकलेंगे, वापस पाकिस्तान भी भेजने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो कुल मिला के एक शख्स को ना लाइक इधर आके टोटली चेंज कर देते हैं, बिल्कुल टोटली, जो अपनी कंट्री में कुछ होता है और इधर आकर टोटली ऑपोजिट हो जाता है कुछ ही मंथ में। तो इस तरह नॉर्मल मैं फिर आपके साथ अपने दिन की लाइफ एक शेयर कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सी कि कैसे स्टूडेंट यहाँ पे रहता है, तो फिर आप वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के हो रहे हैं इस टाइम तकरीबन 6, और भाई जाना है जॉब पे, तो अपने लिए नाश्ता पहले चलाते हैं चूल्हा, तो फिर निकालते हैं परांठा। परांठे मेरे पास दो तरह के हैं, एक सादे वाले हैं, दूसरे गोभी वाले हैं। हाँ गोभी वाले ये रहे, ये ऊपर लिखा हुआ है गोभी पराठा, इसको खोलते हैं और उतनी देर में तवा गर्म हो जाए। तो इसको क्या करना है, सिर्फ हमने ऊपर गर्म करना है, ठीक है। तवा भी गर्म हो चुका और हमने खोल लिए हैं, तो भाई इस तरह की पैकिंग में होते हैं ये, ठीक है, ऑलरेडी बने होते हैं फ्रोजन। तो इसको क्या करना है, सिर्फ ऐसे ऊपर रखना है, जैसे इसको हीट मिलेगी, ये थोड़ा सा अनकुक होता है बल्कि पूरे बना होता है वैसे, तो ये जैसे इसको हीट मिलेगी वो रेडी हो जाएगा, रेडी टू ईट, टेंशन नहीं है। तो एक दो तीन कर लेता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे से तो हैं, तीन से क्या होना है मुझे पता, कुछ भी नहीं होना फिर भी। वैसे कितने पीसेस हैं टोटल, वैसे 4 पीस हैं, तो 3 आज अभी ले जाता हूँ, फिर और क्या हो सकता है। तो लो भाई तीनों ही ऊपर रख लिए, तो और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अब, तो इनको क्या करना है, ऐसे उठा कर ऐसे रख लेते हैं, हाय हाय गरम गरम गरम, बस फॉल में पैक करते हैं इसको। तो परांठे हैं गोभी वाले, तो थोड़ा सा ना साथ में दही ले जाते हैं, यू नो मतलब टेस्ट के लिए। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट नहीं था, ये था हमारा लंच, ठीक है। तो इसको करते हैं पैक, तो बस बंद करते हैं, फिर आगे जाकर आप लोग पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर सीधा काम पे निकलते हैं। फिर मैं निकलता हूँ जॉब की तरफ, तकरीबन अब टाइम हो गया, तो फिर मैं चलता हूँ वहीं पे। और सबसे पहले यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, आप लोग नहीं कर रहे, दिल से बहुत बुरा लगता है, तो किया करो यार ऐसी वैसी बात,
दिल से बुरा ना लगने दिया करो मुझे, तो ठीक है। तो बस अभी निकलते हैं, आगे पीछे देख लो भी सारे लाइक घरों में या गाड़ियाँ खड़ी है, तो इसका मीन घरों में अभी तक गई नहीं कहीं पे। मैं ही जो सबसे पहले आई थिंक निकाल रहा हूँ, या मेरे से पहले एक आता कोई होगा। और ये अपनी बिन्स आई है भी आज जानी है, तो रात को मैंने निकाल के रख दी थी, ठीक है। तो अभी जब आएंगे तब तक ये जा चुके हैं, मतलब ये इनमें से वो कचरा ले जाते हैं खाली करके यहीं पे वापस होंगी, तो फिर ये आके मैंने वापस अंदर कर दिया करके, ये भी काम है। तो फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ, तो फिर आगे जाके आपसे एक बात करता हूँ, एक नहीं बल्कि बहुत सारी बातें। और लो जी भाई, पता भी नहीं लगा हम घर वापस भी आ गए, ठीक है। तो बस फौरन से वापस आए हैं ना, ऐसे ही है ना? नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, पूरे 8 घंटे बाद आया हूँ मैं, मतलब ऐसे जल्दी आ गया हूँ। और ये देखो भाई, बैठे बैठे गाड़ी में बस बटन दबाओ, गैराज ऐसे ओपन हो जाएगा, जाकर अपनी गाड़ी लगा दो। चलो ये फ़ायदा है, उतर के दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ता जैसे उधर पाकिस्तान में होता है, दरवाज़ा खोलो बंद करो, नहीं तो बाहर खड़े होकर हॉर्न मारो अंदर से कोई आए दरवाज़ा खोलो, वो चक्कर नहीं है। चुप करके अपना खोलो गैराज, गाड़ी अंदर करो, बस दैट्स इट। बल्कि मैंने बिन अंदर करनी है पहले यार, तो गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ। चलो जी बिन अंदर आ गया, सो हम अपनी गाड़ी अंदर कर लेता हूँ। अच्छा तो ब्रिंग जो होती है ना, वो हर वीक में ना ट्यूसडे वाले मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग टाइम आफ्टरनून जब भी हो तो उस दिन वो खाली करते हैं, मतलब बाहर से गंद वगैरह ले जाते हैं हमारा। तो इसलिए क्या होता है, मंडे नाइट को बाहर बिन्स रख देते हैं, वो ट्रक वाला आता है वो खाली करके मतलब दे जाता है, मतलब इधर ही पड़ी होती है, देख नहीं आता, मतलब इधर ही खाली करके इधर वापस रख देता है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करना भी नहीं मुझे आता। तो अभी बस गाड़ी अंदर कर लेते हैं फिर, और फिर जाके अंदर नहाते धोते हैं, फिर अगली बात करते हैं। ओके जी, नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, ठीक है, सारा कुछ हो चुका है। और अभी भूख भी लगी है, भूख का करते हैं बाद में इंतजाम, पहले 2-3 मेरी शर्ट पैंट है तो वो मैं धोनी है, तो ये पड़ी तो इनको डालते हैं वॉशिंग मशीन में। कोई है नहीं ना, मतलब खुद ही तो करना सब कुछ, तो फिर मैंने कहा चलो करना तो है ही, आप लोगों को भी दिखा दूँ कि कोई ऐसा नहीं कि हाथों से धोने या ये वो करना, ठीक है। मशीन है, ये मशीन है, इसमें डालेंगे, टाइमर लगाएंगे तो फिर निकलेंगे बाहर, तब तक इसको अंडा डालता हूँ मैं। मशीन लगा दी मैंने कपड़े धोने के लिए, तो बस उसको होने देते हैं। और मतलब नहीं इतना भी नहीं अब कि यार नहीं वो ना कपड़े धोने तो हाथ से धोने पड़ते हैं, वो नहीं, वो नदी में जाकर जैसे पुराने दौर में वैसे धोने पड़ते हैं, नहीं वैसा कुछ नहीं है। मतलब मशीनें हैं, कपड़े धोने वाली भी हैं, सुखाने वाली भी हैं, कहीं कहीं भी आपको मिल जाती है, मतलब जब आप अकोमोडेशन लेते हो ना तो किसी जगह भी आपको कपड़े सुखाने वाली मशीन भी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, पर यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। तो मतलब वही होता है कि अगर आप किसी जगह रूम ले रहे हो तो आप पहले देख लो ये चीज़ें कि आपके आसपास स्टेशन है नहीं है, या आपके जहाँ पे आप रहने वाले वहाँ पे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपका किराया कितना, ये वो, तो ये सब कुछ देखना चाहिए। तो आप खाने का कुछ करें, मतलब कि सुबह मैं बना के कुछ नहीं किया हुआ था, जो था बना के लेगा साथ में। तो अभी मैं सालन वगैरह देखता हूँ कुछ है कि नहीं, फिर इसके बाद आगे बात करता हूँ। तो फ्रिज खोल के देखते कि इसमें क्या पड़ा क्या नहीं, तो दूध दूध दूध, ये क्या, ये कोई सालन पड़ा हुआ है, इसको एक मिनट साइड पर रख लेते हैं और देखते हैं। ये भी सालन पड़ा हुआ, कोई नीचे भी सालन है, ठीक है, वही वाला देखते पहले है क्या ये चीज़। तो ये है जी शायद आलू की माँ, पता नहीं कब का पड़ा हुआ, देखने मतलब सुनने से तो सही लग रहा है। अब देखो मुझे इतना खास आइडिया नहीं कि कैसे चेक करते हैं क्या इसमें पहचान है क्या नहीं है, तो खा लेते फिर अब क्या कर सकते हैं, वैसे तो बनाया नहीं है, तो कल से बना के रखें करेंगे भाई, एक दिन बना लेंगे तो 2 दिन खा लेंगे, मतलब सुबह शाम दोपहर खा के 2 दिन गुजारा करें, कोई बात नहीं। तो अभी फिर ये कि रोटियाँ हैं अपने पास ऑलरेडी, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, आटा गूंद के ये वो तो अपने पास पड़ा हुआ है, और तवा पड़ा हुआ है, तवे के रखते चूल्हे पे, फिर रोटियों ऊपर रखते हैं फिर खाते हैं। जो सुबह वाले थे ना वो गोभी वाले थे और वो गोल थे, और ये हैं सादे पराठे बिल्कुल, तो ये ऐसे होते हैं। तो वैसे यार इतने ये मतलब हो, ये मतलब इतने हैं नहीं सही, जो सही बताऊँ मतलब डेली खाने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ले लिया कि चलो 1-2 दिन मेरा शुरू वाला निकल जाएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना। तो अब ये एक अपने ही गूंद के अपना पकाऊंगा, वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और वो हेल्दी भी है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये चीज़ें बस ऐसे ही स्टार्टिंग में अच्छी लगती है और कुछ नहीं, अपना सालन भी गर्म होगा, तो बस मैं इनको पकाता हूँ तवे पे फिर जल्दी से। खाने के साथ साथ भाई हो जाए कड़क कड़क चाय, नहीं चाय नहीं है, दूध पत्ती बोलते हैं, तो सॉरी माई मिस्टेक। तो बस मैंने कहा याद नहीं ये भी हो रही है ना, होकर भाई वीडियो बनाते हो बली ले जाए, पहले मैं इसको बना लूँ यार। ओए चाय बन गई है, हाँ फुल ट्रक ड्राइवरों वाली चाय, पता नहीं जो ट्रक ड्राइवर आते हैं भाई का पत्ती फुल ठोक दो, रात को नींद ना ये वो वाली चाय, मज़ा आगा स्वाद आगा फिर। तो बाहर भी ज़रा मौसम आप ज़रा ओ मौसम कह रहा सॉरी दिन डाल रहा है, शाम होने वाली है। तो खाना सिर्फ दो टाइम होता है, सुबह तो करना नहीं है, सुबह वही जो बना के ले गए वो तो लंच के लिए होता है, ठीक है, लंच करते हैं 12-1 बजे, 12-1 बजे के बाद हम आग खाते हैं इस टाइम। अभी टाइम हो रहा है 7:30, ठीक है, 7:30 टाइम हो रहा है, तो 7:30 के बाद जो खाएंगे मतलब यही जो खाएंगे, इसके बाद तो खाएंगे नहीं, इसके बाद जाके बेड पे पड़ जाएंगे और 9 बजे तक सो जाएंगे, तो बस दैट्स ही सिंपल लाइफ, कोई मुश्किल ही नहीं है। सुबह उठो खाना बनाओ खाओ सो जाओ।
गए तो इतने साफ तो कभी बर्तन लड़कियों ने भी नहीं धोए होने जितने साफ मैं धो के आया, मतलब ये नीचे क्या भाई पैरों में आ रहा है। तो सारा काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना छाना डन, सब कुछ डन। सुबह का जो फिर से सुबह देखी जाएगी, अभी के लिए आज का दिन हमारा डन, मतलब कि अगले दिन की टेंशन नहीं लेनी कभी भी आपने कि कल हम कैसे करूँगा, कल क्या खाना है, कल क्या पकाना है, ना 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 वो टेंशन आपने लेनी नहीं। अगर वो टेंशन लोगे तो आज का दिन आपका चला जाएगा, इसलिए आज के दिन का जो भी आप कर रहे हो बस वही कर रहे हो। तो बस अभी मैंने खाना पीना खा पी के ना, दरअसल आज ना मैं जल्दी आ गया था तो मैंने कहा चलो चक्कर लगा लेता हूँ। अभी तो वैसे भी रात होने वाली है, ठीक है, आप देख सकते सूरज फुल डल चुका है, थोड़ी बहुत रोशनी है, तो कोई 10-15 मिनट में इधर अंधेरा होने वाला है बस। तो अभी तो ठंड जा रही है, अभी मतलब गर्मियाँ आ रही हैं पहले, तो पाकिस्तान में जैसे सर्दियाँ आ रही हैं इधर वैसे गर्मियाँ आ रही हैं, जैसे जैसे वहाँ पर गर्मियाँ ख़त्म यहाँ पर सर्दियाँ ख़त्म, ऑपोजिट चलता है यहाँ पर। तो बस मैंने कहा एक वॉक चक्कर लगा लेते, छोटा सा एक राउंड मार लेते, एक अपने यूनिट का यूनिट ही बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ जो भी है, दिन जो है ना वो लंबे होने शुरू हो गए हैं। ऑफकोर्स गर्मियों में लंबे ही होते हैं, मतलब कि सुबह जल्दी जल्दी सूरज निकल आता है तो रात को टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर सूरज ढलता नहीं है, तो ये सबको बेसिक चीज़ें सबको पता है यार। तो बस गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं तो दिन वो पैर कुत्ता ना पाई हुए शुक्र है बांधा हुआ था पता नहीं किसका कुत्ता है। तो बस एक चक्कर लगा लिया, अब चलते हैं घर की तरफ, और कुछ नहीं जाके अब थोड़े बहुत मोबाइल यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत, फिर वैसे टाइम अभी 8 बजने वाले हैं लेकिन लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं आई नो, लेकिन 9:30 जैसे होने हैं तो सो जाना, इतना कुछ है नहीं खास करने को। तो यही सारी चीज़ें यार जो नॉर्मल दिन में होती हैं, ऐसे एक लाइफ चलती है यहाँ पे, और इतना कोई खास कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कुछ जो मैं आपको बताना शुरू कर दूँ, नहीं ये है वो है। तो बस यार फिर चलते हैं वापसी की तरफ, अब जाकर थोड़ा बहुत लेटते हैं, कमर कमर सीधी करते हैं, बाकी सुबह फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, फिर सोने का टाइम हो जाता है, सोते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है तो फिर जल्दी सो जाते हैं। तो फिर गुड नाइट मेरी तरफ से सबको, अल्लाह हाफिज़, सब लोग मुझे दुआ में याद रखना, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा, और फिर वर्ल्ड कप भी आने वाला उसकी भी अपडेट देता हूँ, कल ही देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, तब तक ले अल्लाह हाफिज़।